नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप किसी भी फ़ोटो को जो स्ट्रोक होता है वो कैसे बना सकते हो। तो वो स्ट्रोक आप सिंगल कलर में भी बना सकते हो या फिर आप चाहो तो वो डबल कलर में भी बना सकते हो। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा फोटोशॉप जो है वो ओपन हो चुका है। इसके बाद हम हमारा फ़ोटो इसमें इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के लिए आपको फ़ोटो जो है ड्रैग एंड ड्रॉप करना होगा। दोस्तों यहाँ पे हमारा फ़ोटो जो है वो इंपोर्ट हो चुका है। इसके बाद हम जो है इसका एक कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के लिए हम कंट्रोल जे प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमारा एक कॉपी हो जाएगा। इसके बाद हम क्विक सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करने वाले हैं। टूल को छोटा या बड़ा करने के लिए आप कीबोर्ड पे जो ब्रैकेट वाला की है उसका यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हम सिलेक्शन स्टार्ट करेंगे। दोस्तों क्विक सिलेक्शन टूल से सिलेक्शन कैसे करना है ये हमने पिछले वीडियो में देखा था, तो आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है तो आप वहाँ से देख सकते हो। आपको सिलेक्शन जो है वो अच्छे से करके लेना है। जहाँ भी आपका सिलेक्शन बाहर चला जाए वहाँ आप यहाँ से ऊपर माइनस वाला ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक कीजिए और माइनस कर दीजिए या फिर आप प्लस में भी रहकर अल्ट की प्रेस करोगे तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे हमारा सिलेक्शन जो है वो पूरा हो चुका है। इसके बाद हम कंट्रोल जे प्रेस करेंगे। कंट्रोल जे प्रेस करने के बाद यहाँ पे ऊपर एक कॉपी हो जाएगा। जो न्यू लेयर कॉपी हुआ है उसके ऊपर राइट क्लिक करना है और ब्लेंडिंग ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमारा जो ब्लेंडिंग ऑप्शन वाला पैनल है वो ओपन हो जाएगा। इसके बाद हमें स्ट्रोक के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे स्ट्रोक जो है अप्लाई हो जाएगा। आप जो है वो स्ट्रोक का साइज यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हो। इसके बाद जो स्ट्रोक का पोजीशन है वो आपको आउटसाइड ही रखना है। इसके बाद आपको स्ट्रोक का ओपेसिटी कम या ज़्यादा करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। आपको स्ट्रोक का कलर चेंज करना है तो एक कलर वाला बॉक्स है उसके ऊपर डबल क्लिक करना है और जो भी आपको कलर चाहिए होगा वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद ओके कर देना है। तो ऐसे दोस्तों आपका जो है सिंगल कलर स्ट्रोक यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। आपको जो है डबल कलर स्ट्रोक क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे जो इफ़ेक्ट में स्ट्रोक वाला ऑप्शन है उसके ऊपर डबल क्लिक कीजिए और उसके बाद जो फिल टाइप है उसके आगे क्लिक कर दीजिए और उसके बाद ग्रेडियंट वाला ऑप्शन जो है सिलेक्ट कर लीजिए। ये ग्रेडियंट वाला पैनल ओपन हो जाएगा। ग्रेडियंट के आगे डबल क्लिक कर दीजिए। आपको जो भी दो कलर सिलेक्ट करना है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लो। मैं एक रेड करता हूँ और दूसरा येलो कर लेता हूँ और इस बॉक्स को क्लिक करना है और उसका लोकेशन जो है वो 50 कर लेना है। येलो बॉक्स के ऊपर भी क्लिक करना है और उसका भी लोकेशन जो है वो 50 कर लेना है। उसके बाद ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है हमारा डबल कलर वाला स्ट्रोक है वो क्रिएट हो जाएगा। इस वीडियो में कोई भी आपको डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब भी कर दो।